खबर है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में बदउनवानियों के खात्मे के लिए स्पीकर कौमी असेंबली का बड़ा एक्शन सामने आया है। जालसाजी और फ्रॉड से तरक्की हासिल करने वाला एडिशनल सेक्रेटरी बरतरफ, इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन सलीमी को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और एक न्यूज़ ने स्पीकर के ऑर्डर की कॉपी हासिल कर ली है। यासीन सलीमी की पहले डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तनजली की गई। सीनियर ऑफिसर से बतौर जॉइंट और एडिशनल सेक्रेटरी तमाम मरात और तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर, यासीन सलीमी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर तरक्की हासिल करने के इल्जाम दुरुस्त साबित हुए और स्पीकर का यासीन सलीमी से तमाम गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए फवायद की रिकवरी का हुक्म भी जारी किया गया। इसके साथ साथ यासीन सलीमी के खिलाफ 4 जून 2024 को इल्जाम सामने आए। यासीन सलीमी ने स्पीकर की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी की तहकीकत का हिस्सा बनने से इनकार किया। जी हाँ, दस्तावेजात के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात की गर्ज़ से यासीन सलीमी को 5 मरतबा तलब किया। दस्तावेज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात के नतीजे में नौकरी से बर्खास्तगी की सिफारिश की थी और यासीन सलीमी ने इंक्वायरी का हिस्सा बनने के बजाय इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कमेटी को चैलेंज किया था। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक जी बिल्कुल, ये यासीन सलीमी नामी सीनियर जो पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे, फिर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से एडिशनल सेक्रेटरी के अहदे पर तरक्की हासिल की, जो उसकी बाद में स्पीकर ने इंक्वायरी का हुक्म दिया तो इनके ऊपर तमाम तर इल्जाम साबित हो गए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा एक्शन लेते हुए एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी को न सिर्फ उनके अहदे से बरतरफ कर दिया है बल्कि उनसे तमाम मरात और तनख्वाहें भी वापस लेने के अहकाम जारी किए हैं। जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसने 3 से 6 मरतबा इनको बुलाया लेकिन उसके सामने पेश नहीं हुए बल्कि अदालत चले गए तो अदालत ने भी इनकी जो दरखास्त थी उसको रद्द कर दिया, जिसके बाद जो थे स्पीकर कौमी असम्बली के सामने ये मामला रखा गया। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए इनको एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे से पहले डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर इनकी तनजली की और उसके बाद इनको जो है वो बरतरफ कर दिया और उनसे तमाम मरात जो है और तनख्वाहें जो है बतौर जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो उन्होंने हासिल की थी वो सारी की सारी मरात उन्होंने वापस लेने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे और इस आम